गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन आवर ऑनलाइन क्लासेस बाय सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल। वी आर रीडिंग द चैप्टर 6 क्लॉथ्स एंड फाइबर्स टुडे एंड वी आर रीडिंग द टॉपिक क्लॉथ मेकिंग मींस कपड़े का बनना। बिफोर दिस वी जस्ट डिस्कस अबाउट फेस द फैक्ट। नायलॉन वॉज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर टू बी डेवलप्ड इन 1935। नायलॉन सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर था जो 1935 में विकसित किया गया था। द फाइबर्स ऑफ नायलॉन आर स्ट्रोंगर एंड मच मोर इलास्टिक दैन फाइबर्स सच एज सिल्क। नायलॉन का रेशा ज़्यादा मजबूत और लचीला होता है बजाय रेशम के फाइबर के। क्लॉथ मेकिंग कपड़े का बनना। शीट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम कॉटन बॉल्स। कॉटन बॉल्स में से शीट को हटाया जाता है। रो कॉटन हैज़ फाइबर्स विच आर स्पन इनटू लॉन्ग थ्रेड्स। कच्चे कपास में फाइबर्स होते हैं जिनको काटकर लंबे धागे बनाए जाते हैं। दीज थ्रेड्स आर वोवन टुगेदर टू मेक क्लॉथ्स। और इन धागों को आपस में बुना जाता है और कपड़े बनाए जाते हैं। द मशीन यूज्ड फॉर वीविंग इज कॉल्ड अ लूम। मशीन जो बुनने के लिए इस्तेमाल की जाती है उसे लूम कहा जाता है। देन द क्लॉथ इज डाइड एंड प्रिंटेड विद वैरायटी ऑफ डिज़ाइंस। उसके बाद कपड़ों को सुखाया जाता है और अलग अलग डिज़ाइन और प्रिंट किया जाता है। वूल इज शिप्स हेयर। ऊन भेड़ के बाल होते हैं। वूल इज शियर्ड और कट ऑफ। ऊन को भेड़ से हटाया जाता है या काटा जाता है। द प्रोसेसेस ऑफ स्पिनिंग वीविंग डाइंग एंड प्रिंटिंग आर ऑल्सो अप्लाइड टू मेक वूलन क्लोथ्स। प्रक्रिया जिसमें स्पिनिंग हो गई, वीविंग यानी बुनना, डाइंग यानी कि कपड़ों को कलर लगाना, प्रिंटिंग यानी उसमें प्रिंट करना, ये सभी अप्लाई किए जाते हैं वूलन क्लोथ्स बनाने के लिए। यानी वूलन क्लोथ्स बनाने के लिए इन सभी तरीकों को इस्तेमाल किया जाता है। सम वूल इज आल्सो निटेड इनटू स्वेटर जर्सी एटसेट्रा। कुछ ऊन स्वेटर और जर्सी बुनने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज फॉर टुडे। थैंक यू।